कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। बहुत लंबे टाइम के बाद ये रहे हमारे पतिदेव। इनकी आंखें धूप में अभी खुलेंगी नहीं, ऐसे ही लग रहा होगा आपको कि बंद ही है, पर नहीं खुली है, गाड़ी चला रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़, एक ओकेज़न है उसके लिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ सफ़र इन्जॉय कीजिए। तो अभी हम पहुँचे हैं अनंतपुर साहिब, ये पीछे बस स्टैंड, सामने गुरुद्वारा। ये रहा अनंतपुर साहिब गुरुद्वारा। अभी हम पहुँचे हैं खरड़, तो जल्दी पहुँचे। तो हम घर से नहीं आए हैं, हम आए हैं ऊना से। अभी हम ऊना में रह रहे हैं, वहाँ पे मैं बीएड कर रही हूँ। तो अभी हो गए हैं 12:30, तो बस अभी हम थोड़ी देर में पहुँचेंगे। तो से जो वाई नहीं बनाती है बन, वैसे बनाया हुआ है। हमारे साहब जी कहाँ गए, चलो कुछ खाते पीते हैं। अभी हम पी रहे हैं सोडा मोटूराम। बाहर बहुत गर्मी है, तो इसलिए मैं गाड़ी में बैठी हूँ और ये चले गए हैं बाहर। तो हमें ख़त्म ना जल्दी से ख़त्म करते हैं। चलिए फिर चलते हैं, आप थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। दरवाजा मजा नहीं है जी। चंडीगढ़ का ट्रैफिक। चलो भाई भी हम पहुंच गए हैं, रूम में बैठे हैं और ये वही जगह है जहाँ पे बैठ के मैं आपसे बात करती थी। क्या बात? हाँ ये यही वाली बेड पे ऐसे ऐसे करा नहीं, ऐसे ना भैया यहाँ पे काम करते थे ना, सोते कैसे ऐसे यहाँ पे देखो। और आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज ही के दिन 30 अप्रैल 2023 को हम यहाँ ये चंडीगढ़ आए थे शॉपिंग पर। शादी किस दिन बात है? एक महीना बचा था शादी के लिए, और आज भी 30 अप्रैल 2024 है, तो हम आज चंडीगढ़ आए। हाँ, और आज हम एक ऐसी जगह पे जाएंगे जो हमारे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा। तो चलो आपको भी दिखाएंगे वो क्यों स्पेशल है। नहीं अभी थोड़ा बताना। हम जिस ओकेजन के लिए आए थे वो है बड़े पापा की रिटायरमेंट, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं सभी। और ये रही हमारी गाड़ी, भैया भाभी से बैठ गए, हम भी बस रेडी होके बैठ गए हैं। पीछे बड़े पापा, बड़ी मम्मी और भैया भाभी सभी हैं, और आधे चले गए हैं। तो चलो आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ अभी हम आए हैं यूपी गेस्ट हाउस में, और यही हम ये स्पेशल हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यहीं पे मिले थे। चलो तो हम मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ बैठे थे हम। ये है जनता वेटिंग एरिया। यहाँ से आप, मैं आपके सामने चल के आई थी। हाँ देखो, तो यहाँ पे हम बैठे थे, वेट किया था हमने यहाँ पे, और उधर हमने वो जो सामने जगह इस साइड यहाँ पे लंच किया था, कॉन्फ्रेंस हॉल। बड़ी मम्मी, भाभी, ए भैया, ए शहरी। तो बहुत ही अच्छी जगह है, बड़ी प्यारी। हमारे लिए आया पानी, अब नेक्स्ट जो भी होता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहे बड़े पापा, आज इनकी रिटायरमेंट है। बड़े मम्मी, ये बुआ जी, भाई जी, पापा, भैया, जीजा जी, भैया, भाभी, और ये हमारे पति देव। आइकॉन होता है कि नहीं? मिली कोल्ड ड्रिंक, सारे कोल्ड ड्रिंक का, और सारे के सारे देखो सब फोटोज लेने में बिजी। चलो भाई चीयर्स करते हैं। मेरा गिलास कहाँ गया? आपको
सो आज पूरी मिनिस्टर वाली फीलिंग आ रही है तो ऐसे पूरी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए पंजाब के पंजाब के जो लड़के नेता है ना जब हमारे प्रेजेंट वगैरह आते हैं वो बस उन्हीं के पास में बैठी हूँ मैं मतलब सोच रहा हूँ था अभी धीरे धीरे स्टाफ के लोग भी आ रहे हैं राजकुमार जी उनकी सारी प्रकार है सो गुड टू सी सारी फैमिली आई है राजकुमार जी ने हमारे साथ बहुत साल काम किया 36 साल उन्होंने हमारे साथ काम किया और इन सबके अलग अलग रिश्ते सबके साथ बने किसी के साथ अच्छे किसी के साथ कटे किसी के साथ बीते ऐसे जरूर रहे हैं और मेरा पर्सनली राजकुमार जी से मेरे शुरू 15-20 साल हो गए कॉन्ग्रेचुलेशन सर सर सबने वर्क से रिलेटेड सारी बात की काम कैसे करते हैं कैसे करते हैं काम कैसे करते हैं सबने ऐसे बोला कि काम कैसे करते हैं मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि कल से वो लगता है मंदिर ज़्यादा मिस करेगा इनको सुबह इसलिए सर हमें मैं पंकज शर्मा से राजकुमार जी का धन्यवाद आज बहुत खुशी हो रही है कि यूट्यूब से के अंतर्गत इस ऑफिस में काम करते हुए 37 वर्षों से जो आप सभी का प्यार रहा है क्योंकि 37 वर्ष एक जगह पर बिताने कोई आसान बात नहीं होती और इतने लंबे समय तक एक बहुत अच्छा परिवार बन जाता है सभी के बीच में सभी के रिलेशंस के बीच में इसमें दो चीज़ें होती हैं एक तो इंसान का अपना व्यवहार कि वो दूसरों के साथ कैसे रखता है और दूसरा सामने वालों का व्यवहार कैसा है अगर दोनों ही तरफ की चीज़ें अच्छी हो तो इंसान की जिंदगी बहुत खुशहाल और बहुत अच्छी तरह से बीत जाती है और उनके भविष्य के कामना करते हुए मैं अपने सब यहीं पर समाप्त करता हूँ धन्यवाद देखो एक शख्स जो अंदर नहीं आया इसकी वजह से ये रोंदड़ सेम जगह में हम फिर से आए हैं आपको दिखाने कि हम कहाँ मिल बस यहाँ पे भैया बैठे थे हाँ भैया बैठे हैं वही मैं बैठी थी और यहाँ ये बैठे थे अब अभी भी यहीं थे खाने में क्या क्या स्नैक्स है मैं आपको दिखाती हूँ आप मेरी प्लेट ले लेना ठीक है जब हम मिले थे तब हमने लंच किया था यहाँ पे आज हम डिनर करेंगे पहले स्नैक्स है फिर शाम को फिर से आएंगे तब हम डिनर करेंगे तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मिल्क केक लिया आपने सैंडविच डाल दो मेरे को एक वेजीज वाली देनी मेरे को बढ़िया शिमला मिर्च नहीं होनी चाहिए यस कैप्सिकम आई डोंट लाइक पोड़ी पकौड़ा गुलाब जामुन एंड देन कॉफ़ी ये प्लेट मेरे पिताजी क्या क्या ये सर्व कर रहे हैं आज बड़े भैया इनके साइड में बैठे हैं और जब हम आए थे तब हमने लंच किया था तो ये बड़े भैया हम दोनों के बीच में बैठे थे उस दिन हमने लंच किया था यहाँ पे लास्ट है ना अब अगले महीने में भी आई हूँ बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस जगह पे आके फिर से अब चांस नहीं मिलेगा कभी यहाँ पे आने का क्योंकि बड़े पापा यहाँ पे जॉब करते थे तभी भले यहाँ पे ज़्यादा पॉलिटिशियन वगैरह वही आते हैं तो बड़ी पूरी लग्जरी वाली फीलिंग आ रही थी सारे वहाँ पे बैठे थे मैंने आपको बताया तो जैसे ही हमें बोला कि चलो बात कर लो आप दोनों आपस में तो इन्होंने पूछा कि अंदर बैठना है बाहर तो अंदर स्पेस तो काफ़ी था लेकिन फिर बाहर में कैसे चलो बाहर ही चलते हैं मतलब सभी थे वहाँ पे और फिर हम बाहर आ गए तो यहाँ से ही हम वो करते करते आए थे मैं आपको दिखाती हूँ हम कहाँ बैठे थे कब की बात है 22 और ये सामने वहाँ पार्क यहाँ से गए थे हम आगे से जगह चलो हम यहीं से घुस जाते हैं हाँ तो हमारी गाड़ियाँ दोनों उधर लगी थी ब्लैक लिस्ट भी आए उसमें भैया हाँ भैया और दिया आए थे यही वो पार्क लेकिन पहले हम बैठे नहीं थे पहले हमने यहाँ पे ऐसे 2-3 चक्कर लगाए ऐसे राउंड लगाए थे मतलब धीरे धीरे सर्दियों के दिन थे और सर्दियों में यहाँ पे धूप भी कहाँ होती है और बिल्कुल ऐसे ही मौसम था धूंध मतलब अच्छा था वैसे हल्की हल्की धूप थी हाँ यहाँ से रास्ता तो
हाँ वहीं से घुसा है इस सोफे पे। सोफा नहीं, हमारे लिए सोफा ही था ये। तो मैं दिखाती हूँ जिंदगी की हम दोनों ने अपनी जिंदगी का साथ चलने का फैसला किया था उस दिन। ये इसी बेंच पे बैठे थे हम, पर आज धूप, अब गर्मी है तो उस टाइम सर्दी थी, यहीं बैठे थे, मैं यहाँ बैठी थी, इतना दूर थे वहाँ, इतना गैप तुम्हारे बीच में। आज कोई गैप नहीं है लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है तो यही बैठे थे हम। हमने काफी मतलब कम से कम ना आधा घंटा ज्यादा मतलब 5 मिनट हमने यहाँ ऐसे 5-10 मिनट वॉक की थी, फिर हमने बाहर भी वॉक की थी थोड़ी देर। तो घर वालों ने तो हमारे ने पहले ही सोच लिया था कि ये आदमी इनका तो हो गया है पक्का, है ना। बोल रहे थे जब तक वाइन तो पता चल गया था। एक होटल लेते हैं तो बाय बाय करते हैं इसको और इनको पकड़ लिया अब इससे क्या करना है। तो चलिए बहुत अच्छा दिन था आज और लास्ट ईयर आज चंडीगढ़ में, और आज के ही दिन हम लास्ट ईयर चंडीगढ़ में ही थे, शादी शॉपिंग करने आए थे उस दिन, हम शॉपिंग कर रहे थे। पर ये जगह तो बड़ी स्पेशल थी क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम मिले थे, हम यहाँ पे बात हुई थी हमारे, और हमारा अभी आपने देखा कि ऐसे था मतलब बहुत ही अच्छा था। तो ऐसा लगा था कि फैमिली ने ही ना डेट प्लान करी हो जैसे, बहुत ही अच्छा मतलब इतनी प्यारी जगह है देखो आप बड़ा। नहीं तो यहाँ पे भी हमने थोड़ी देर वॉक करी थी। बाय बाय यूटी गेस्ट हाउस। जनता चली सारी अंदर जो नहीं तो तीन करना था तो चलिए कर। तो लो भाई पहुंच गए, बैठ रहे बाहर हो नहीं यानी के रहा वो बैठ रहे